ओम शांति। आप इन क्लासेस में लाइव अगर जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दी गई जो लिंक है bit.ly/ज्ञान कोहिनूर WA, इस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। इस पर क्लिक करके या तो फिर आप पीस पावर प्यूरिटी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम शांति। यहां से हम शुरुआत करेंगे। आत्मा कंप्लीटली कॉन्शियस, और जितना हो सके शब्दों को सुनते हुए भी अटेंशन हमारा ध्यान असली दुनिया में है, जहां सब बिंदु सितारे हैं, और शब्दों को हम आधार न बनाते हुए फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ संपूर्ण एकाग्रता के साथ इस साइलेंस के अनुभव में मौज मनाते हैं। आसपास काश है, पेड़ आसपास सिर्फ तरंगे हैं, वाइब्रेशंस, सब कुछ यहाँ पर वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशंस की दुनिया है, लाइट की दुनिया। कार्टून शो की आवाजें भी सुनाई देंगी, कार्टून शो में जो हो रहा है वो दिखाई भी दे सकता है यहां से। अगर हम कैसे पता करें कि हम इस दुनिया में फुल्ली इमर्स्ड हैं, इसका चिन्ह क्या है, साइन क्या है? यहाँ पर यथार्थ साइन है कि बुद्धि उसको पकड़ेगी नहीं, आकर्षित नहीं होगी। वो सब आवाजें, वो सारे सीन्स दिखाई देते हुए, सुनाई देते हुए बहुत दूर जीरो वैल्यू के सब जीरो वैल्यू के होने के बावजूद
सब अच्छे दिखाई देंगे। मगर दिल वहां नहीं लगेगी, दिल वहां टिकेगी नहीं। इसी के साथ हम इस दृष्टि से ही अपनी असली आत्मिक स्मृति में यहाँ ये महावाक्य सुनेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे, एक-एक पॉइंट बुद्धि ग्रहण करे, सोच चलने से पहले, प्रश्न उठने से पहले बुद्धि पकड़े महावाक्यों को ठहराव के साथ, ठहराव चात्रिकता हल्केपन के साथ, सिर्फ आत्मा और बाबा के बीच की बात चल रही है। से प्यार से, धैर्यता से, महावाक्य धारण होने लगेंगे। सुनते सुनते अनुभव होने लगेगा। ओम शांति। आज के हम बाबा के महावाक्य ये 20 मई 72 के हैं, 20 मई 1972, और यहाँ पर बाबा स्वरूप बनने से या एक मेजर फायदा कि संकल्पों और समय की बचत, महावाक्य पढ़ने के साथ साथ ये इमेज है यहाँ पर। चलिए हम कुछ पढ़ते हैं, फिर ये ढूंढते जाएंगे साथ में। बाबा कहते हैं कि मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते बाबा कहते हैं कि सहज ने आपको इस स्थिति में स्थित कर सकते हो। अभी कौन सी स्थिति है बाबा बताएंगे। जी, ये हमने पिछली क्लास में ये देखा था, ये सुना था, देखा नहीं था, सुना था। अभी इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो अनुभव है ना, कि बाबा के सिर के ताज होने का अनुभव, बाबा से नजरों से निहाल होने का अनुभव, फिर बाबा की गोद का अनुभव, फिर बाबा की दिल की डिब्बी में समाने का अनुभव,
तो ये सभी अनुभव जो है, तो जब हम किसी भी मिनट, किसी भी क्षण, जब हम कंप्लीट वो जानते हैं जो परमात्मा जानता है इस सेकंड में, कंप्लीट जो जो उसके बुद्धि के अंदर है वो सब कुछ ना बुद्धि में वो इमर्ज रूप में है, तो ये होता है सिर का ताज होना ना, ये अनुभव आत्मा को अनुभव होगा। फिर जिस क्षण पे जो जो बाबा को दिख रहा है इस सेकंड में, क्या दिख रहा है, तो कंप्लीट कार्टून शो, कंप्लीट ना कुछ छोटी सी चीज दिख रही है, तो जिस क्षण में आत्मा कंप्लीट वो ही दिख रही है जो बाबा को दिख रहा है ना, असली दुनिया, असली घर दिखता है और उसके साथ साथ ये कार्टून शो दिखता है, तो ये है नजर से निहाल होना। अनुभव ही होगा कि नजर से निहाल हो रहे हैं ना, अनुभव होगा आत्मा को कि बिल्कुल बाप समान स्टेज का, और जहां पर भी बाबा की गोद का अनुभव करना, माना कि जो संकल्प बाबा के अंदर चलते हैं मन के अंदर, वो जब यहाँ इस मन में चल रहे हैं तो वो है कि बाबा की गोद में आत्मा बैठी है, और जो बाबा फील करते हैं ना, जो वो फील कर रहे हैं, उनकी सारी फीलिंग्स जो है वो सत्य सत्य के आधार पे है ना, जैसे जितना ईगो है, झूठ है, तो झूठ के आधार पे फीलिंग्स होती हैं, इरिटेशन की, डर की ना, चिढ़ने की, तो ये सारा, लेकिन जितना जो बाबा फील कर रहे हैं सत्य के आधार पे, वो ही आत्मा फील कर रही है, ये है दिल की डिब्बी में समाना। अनुभव ही ऐसा होगा कि बिंदी बिंदी ना, बिंदु आत्मा बिल्कुल बाबा के दिल में ना, दिल में बैठी है, तो ये सारे अनुभव है, नजर से निहाल होने का, बाबा की गोद का अनुभव ना, दिल की डिब्बी में समाने का अनुभव, सिर का ताज होने का अनुभव ना, शान में कंप्लीटली बाबा ने जो शान की सीट दी है ना, उस शान की सीट में, तो बाबा कहते हैं कि मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो, जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। तुरंत बाबा कहते हैं जब चाहो तो ये सार की स्थिति में स्थित हो सकते हो, विस्तार की स्थिति से परे सार में। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, हद के जादूगर क्या करते हैं, विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं ना, बड़े बड़े कोई कोई रैबिट होगा, कोई कोई फिशेस होंगी, बहुत सारी मछलियां होंगी, तो उसको सबको समा देंगे ना, गायब कर देते हैं उसको, तो बड़ी बड़ी चीजों को समा देंगे, तो ऐसा वो जादू दिखाते हैं, हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आए, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसी को दे सकते हो, तो सारा जो विस्तार है ना, जितना भी है, पूरे दिन जो विस्तार चलता है, दिखाई देता है, बहुत सारी बातें होती हैं ना, वो सारा विस्तार को समाना, मतलब एक शब्द में समाना कि ड्रामा ना, इतना सारा विस्तार होता है, कितनी सारी बातें होती हैं जो कि सब इतनी रियल, इतनी असली दिखती हैं, पूरा उसमें इन्वॉल्व हो जाना, लेकिन सबको एक शब्द में समा देना, ये है ड्रामा, ये है कार्टून शो। तो जितना जल्दी हम ये करते हैं, जितना ज्यादा ये होता है, जितना ज्यादा इसी स्मृति में रहते हैं, तो ये हुआ बेहद का जादूगर ना, फिर उस जादूगर के पास, फिर जादूगर मतलब कि वो फिर मैजिक जानता है कुछ ना कुछ, वो जादू जानता होगा, तो फिर वो जो अलौकिक आत्मा है ही नहीं इस दुनिया की, तो जो है ही नहीं इस दुनिया का, वो जितना जितना समाने लगता है सारा विस्तार एक शब्द में, ड्रामा ड्रामा ना, बार बार इस शब्द में समा देता है सब कुछ, तो फिर उसके अंदर वो जो उसकी जो गॉडली शक्तियां हैं, जो उसकी ईश्वरीय शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, बिल्कुल एक अलग ही उसका सुंदरता है, उसका सौंदर्य, उस आत्मा का, वो फिर निखरने लगता है ना, हर आत्मा का
वैसी ही ब्यूटी है, हर आत्मा जैसे बिल्कुल गॉड लाइक है, दूसरी दुनिया से है, यहाँ पर आई है, तो फिर उसका हर सेकंड यही अनुभव होगा कि फिर ये दूसरी ही दुनिया के हैं, कोई दुनिया ही अलग है, तो फिर वो मैजिक मैजिक होने लगेगा। तो इसी को बाबा कहते हैं कि अभी कोई भी सामने आए, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसी को दे सकते हो, अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति या संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वो 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो, या ये अंतिम स्टेज है ना, अभी इस समय कर सकते हो, या बाबा कहते हैं कि आप ऐसा समझते हो कि वो बिल्कुल अंतिम स्टेज है, बिल्कुल लास्ट की स्टेज है। कैसे हम तुरंत अंदर से ना, कैसे तुरंत ईगो ऐसा बोलता है कि लास्ट में होगा ना, ये तो फाइनल स्टेज है, अभी से कैसे होगा ना, तो लास्ट का पार्ट है। तो ये सारे संकल्प आत्मा के नहीं है, तो ये बाबा कहते हैं कि अभी से 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो, या वो, या ये अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, दर्पण के सामने जाते ही हमें दिख जाता है ना कि कौन सामने गया है, तो टाइम नहीं लगता है कि अभी अंतिम स्टेज में जब आप होंगे तब आप शीशे के सामने जाएंगे जो आपको दिखेगा ना दर्पण में, फिर तब दिखेगा, ऐसा नहीं है। कभी भी दर्पण के सामने जो भी हम लेकर आएंगे वो एज इट इज दिखेगा। तो बाबा कहते हैं कि वैसे ही आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए, तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन या साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? आज जैसे जो स्लोगन है कि किसी परेशान को उसकी शान में स्थित कर देना, तो ये सच्ची सेवा है। तो ऐसे ही जितना हर हर आत्मा का नेचर है गुडनेस ना, ईगो अगर हटा दो, हर एक के अंदर से वो रावण को हटा दिया जाए, ईगो को हटा दिया जाए, तो हर आत्मा जो है नेचुरली सिर्फ गुड है ना, सिर्फ उसके अंदर अच्छा ही अच्छा है ना, सिर्फ अच्छाई के अलावा कुछ नहीं है। तो जितना यहाँ पे स्व जगा हुआ है, जो गुडनेस है वो जागृत है, वो गुडनेस जो है वो इमर्ज रूप में है, मैं कौन हूँ कैसी हूँ इमर्ज रूप में है, तो जो भी हमारे सामने आएगा उसके अंदर की भी वो गुडनेस जो है उसको भी पता नहीं चलेगा कि हमारी एनर्जी में वो ऐसा क्यों फील कर रहा है कि, है ना, वो अपने अपने लिए अच्छा फील कर रहा है, देह भान का अच्छा नहीं, लेकिन इट्स जस्ट फीलिंग लाइट, यू नो, आत्मा अनुभव कर रही है वो लाइटनेस का, सब इजी है, अच्छा है ना, वो उसको समझ नहीं आएगा कि ये मुझे जब जब इनके साथ जाते हैं तो क्यों ऐसा अनुभव होता है ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का अनुभव होता है ना, दिल से लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्वमान जो है, स्वमान का उसको अनुभव होगा। तो इसी को बाबा कह रहे हैं कि कोई भी ना दर्पण के सामने जाता है उसको इमिडिएटली साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे आए, तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन या साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? वो स्टेज बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, या अभी ये स्टेज बहुत दूर है? क्या अनुभव करते हो कि ये जो स्टेज है ना, ये लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, लाइट हाउस है माइट हाउस है ऐसा अनुभव करते हो, या वो स्टेज अभी बहुत दूर है? जबकि संभव समझते हो, तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है? तो बाबा ये तो समझते हैं कि हम इसको इम्पॉसिबल नहीं कहते हैं, संभव समझते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कि संभव तो आप समझते हो, लेकिन अभी भी इसका होने के बाद भी, संभव समझने के बाद भी अब तक ऐसा हो नहीं रहा है, इसका कारण क्या है? जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अभी नहीं है, तो जरूर कोई कारण होगा। तो क्या कारण है? हम संभव भी समझते हैं,
संभव समझते हैं ना इसको, इम्पॉसिबल तो नहीं समझते हैं। तो इसका क्या कारण है कि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, कि नहीं हो रहा है कि हम किसी को भी हमारे सामने आए तो वो इंस्टेंटली अनुभव करे अपनी आत्मा, रियल आत्मा की गुडनेस का ना, अपनी अच्छाई का, अपनी गुडनेस का। उसका जो ईगो से इतना सारा पकड़ा हुआ है उसने ना, वो उससे, वो नेचुरली उससे छोड़ दे, वो देह भान है ना, रोल कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिस की कमी है, पार्ट से डिटैच नहीं है, थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाता है अटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं कि तो अभी जरूर कोई कारण तो होगा, कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं कारण है ना, एक तरफ से क्या है, ढीलापन है। और ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध करके दिखाए हैं, तो साइंस ने क्या किया है, अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध करके दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन करने से, सिर्फ स्विच ऑफ करने की देरी होती है। सिर्फ ऑन करो ऑफ करो, कितनी सारा क्या क्या चलने लगता है, क्या क्या बंद हो जाता है, तो ऑन ऑफ की बात है ना, कितनी सारी चीजें एक साथ होने लगती हैं। हम गाड़ी का भी जस्ट 1 सेकेंड आप चाबी घुमाओ, कितना सारा बटन प्रेस करो, उनका पूरा में क्या क्या फंक्शन उसके शुरू हो जाते हैं। यहाँ वो स्थिति क्यों नहीं बन पाती है, मुख्य कारण कौन सा है? दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? दर्पण तो सब है और दर्पण के सामने किसी को अपना देखने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लगता है, दर्पण के शीशे के सामने आए 1 सेकेंड लगेगा। तो बाबा कहते हैं अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो, जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं वो और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं? स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाने वाले हैं। अब विस्तार किस किस लेवल का होता है? सभी जो कर्मेंद्रियां हैं, स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, उनका विस्तार है, शब्दों का है, फिर देखने का है, बहुत कुछ देखने का, बहुत कुछ सुनने का विस्तार है ना, फिर बोलने का है, सुनने का तो हो गया, तो ये मेन इंद्रियां हैं। फिर साथ साथ में बहुत तरीके का भोजन ना, उसमें पसंदी नापसंदी, उसका विस्तार है। नहीं, तो सब लोग अपना बहुत सारी लिस्ट निकाल सकते हैं, उस पर मनन चिंतन कर सकते हैं। तो लेकिन ये सारा विस्तार जो सूक्ष्म कर्म का है, तो वो भी मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, तो सारा दिन प्लेइंग विथ, एक तरीके से सारी जो अपनी पहचान है, हम अपने रिएक्शंस को देखें, संस्कारों को देखें, तो सबके प्रति बहुत गहरा ये भाव है कि ये मैं हूं ना, उससे अलग नहीं अनुभव करना। अलग अनुभव कैसे होगा जब पहले हम समझ के लेवल पे वो स्पष्टता है कि हम इससे अलग हैं, ये जो रिएक्शन है, ये जो भाव आ रहा है, ये जो संस्कार आ रहा है, ये अलग है, पुराना है, मेरा नहीं है ना, पहले तो ये स्पष्टता है। तो क्या होता है कि वो विस्तार में ज्यादा जाते हो, तो ड्रामा में, पूरा ड्रामा मीन्स विस्तार, ड्रामा मीन्स उसमें बहुत सारे सीन्स हैं, एक्शन है, साउंड है, सब कुछ चल रहा है। और जितना हम ड्रामा कॉन्शियस हैं, तो उतना हम खुद विस्तार में हैं। जितना ड्रामा कॉन्शियस हैं, तो बहुत विस्तार में हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जितना सब कुछ हम समा रहे हैं इसमें, कि ड्रामा ड्रामा, जब सब कुछ विस्तार को जो है वो एक शब्द में हम समाते जा रहे हैं, तो फिर बाबा कह रहे हैं कि ना, खुद सार में आने की, सार में खुद जब आते हो तभी दूसरे को सार में ला सकते हो। दर्पण के सामने आओ, तो बाबा कह रहे हैं आत्मा तो हर एक दर्पण है, और दर्पण के सामने आने में 1 सेकंड में साक्षात्कार होता है, लेकिन जो दर्पण है वो खुद सार में हो, विस्तार में होगा तो फिर
विस्तार का अनुभव होगा, सार में है तो सार का अनुभव। इसीलिए हम समझते हैं कि जो पालना है, किसी को पालना देना, तो एक लेवल होता है पालना की, विस्तार से विस्तार पालना है ना। आओ बात करें, क्या हुआ, कैसे हुआ, इंसिडेंट्स को हम डिस्कस करें, तो उस वो भी एक एक लेवल की, एक स्तर की पालना है। जब कोई पूरा ड्रामा में डूबा हुआ है तो उसके साथ क्या बात करेंगे, ड्रामा की बात की, ये एक समझते हैं एक लेवल का पालना। बट बाबा टॉक्स अबाउट द पालना, जो बाबा हमारी करते हैं पालना, वो कैसी पालना होती है जिसमें सारे जो प्रश्न हैं, सारे जो सवाल हैं, वो ही सारे मर्ज हो जाते हैं ना। बाबा का जो पालना है, विच मीन्स कि वो पूरे टाइम सार में है, और उस सार से सब कुछ समा जाता है। हम जब बाबा के साथ हैं, बाबा के सामने हैं, इवन साकार मिलन में, साकार मिलन, उस समय बुद्धि में बहुत सारे प्रश्न आना, बातें आना, ये सब नहीं होता है। तो आत्मा बिल्कुल सार में आ जाती है। तो वो है कि जो सार में है वो सार का अनुभव कराता है। सार में होना समझ नहीं आया? सार में होना मीन्स विस्तार से परे होना, विस्तार मीन्स ड्रामा। सो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि दर्पण तो हो, लेकिन दर्पण स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो, तो जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाला है, वो और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं ना। कोई कोई भी देखते या सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने, कोई भी बात आप देखते हो या सुनते हो तो बुद्धि को क्या है, पत्थर बुद्धि को पत्थर बुद्धि रखा है, तो बहुत समय से आदत है, होती है विस्तार में ही जाने की। तो बहुत समय से बुद्धि को विस्तार में ही रखा है, उसका सारा जो भोजन है वो यही खबरें है ना, यही एक दूसरे से यही पूछना, मिले नहीं ना, बताया नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे करके। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी बुद्धि की आदत लगी हुई है विस्तार में रहने की, तो होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो बार बार। बुद्धि का बाबा फितरत बता रहे हैं कि जो बुद्धि की अभी तक की प्रोग्रामिंग है, जो उसका अभी तक का जो नेचुरल पैटर्न्स बने हुए हैं, जहां से भी हम स्टार्ट करते हैं, तो अंदर में जो स्वाभाविक पैटर्न्स हैं वो है विस्तार में जाने के। तो ये हमको समझ होनी चाहिए कि जब हम शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से शुरुआत हो रही है। हर एक के अंदर बहुत जबरदस्त है, पैटर्न बना हुआ है, वो पैटर्न इतना स्ट्रांग है, इतना डार्क है कि उसको हम थोड़े दिन के लिए छोड़ते हैं, 4-5 दिन के लिए छोड़ते हैं ना। जैसे 4-5 दिन आपने किसी भी इस पैटर्न को भोजन नहीं दिया, बहुत सारा विस्तार ना, एक एग्जैजरेशन बोल लीजिए, या विस्तार जस्ट मीन्स कि ड्रामा में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, उसकी कहानी में क्या हो रहा है, इसकी कहानी में क्या हो रहा है। हाँ, इट्स अ डीप ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये हैं रावण के पैटर्न्स है ना, ये जो पत्थर बुद्धि के जो पैटर्न्स हैं, ये है रावण के पैटर्न्स। उसको भोजन चाहिए होता है, उसको जानना होता है कि उसका क्या हो रहा है। ये तो एक मोटी बात है, उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, फिर मेरी स्टोरी में क्या, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या फील हुआ, ये सब भी चलता है। और इसके साथ साथ फिर दूसरे के संस्कार, ये संस्कार, सबका सबका बहुत सारा जो है रावण का पैटर्न है कि वो इसी सब में इंडल्ज रहता है, इसी सब में उसका इंटरेस्ट है ना, बहुत सारा उसका ड्रामा में इंटरेस्ट है, सीन को एनालाइज करना। हाँ, ये भी है। तो अब जब हम 3 दिन के लिए भी इसको छोड़ते हैं, 4 दिन के लिए भी इसको छोड़े, वैसे तो बाबा क्या कहते हैं, वैसे पता है बाबा क्या कहते हैं, कर्मातीत का क्या मतलब है, कंप्लीट सार में आ जाना है ना। ये सारा जो पैटर्न है, ये सारा हो जाए, रावण को भोजन नहीं मिले। तो बाबा क्या कहते हैं कितना बाबा ये प्रश्न पूछते हैं मुरली में, कितना समय हम जब एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं, यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं, तो कितना समय लगता है, ये जो पैटर्न है रावण का, उसको इतना भोजन चाहिए होता है ड्रामा से, तो कितना टाइम लगता है इसको खत्म करने में, अगर एक्यूरेट पुरुषार्थ किया, एक्यूरेट याद की यात्रा में रहे, तो कितना समय लगता है ये सारा जो बहुत डीप ग्रोथ बोला ना किसी ने, उसको खत्म करने के लिए।
कितना टाइम लगता है मुरली मुरली में बाबा स्पष्ट करते हैं। एक सेकेंड, श्योर, एक सेकेंड, ओके। बाबा कहते हैं एक दिन भी अगर किसी ने, एक दिन, यू स्पेंड वन होल डे, एक पूरा दिन आप स्पेंड करो 24 घंटे कंप्लीट, ड्रामा से बिल्कुल बाहर, ड्रामा से बिल्कुल डिटैच, एक दिन तो कर्मातीत अवस्था जो है वो आ जाएगी ना, एक दिन में प्रॉपर, अगर एक्यूरेट, फॉर 24 आवर्स एक्यूरेटली आप ड्रामा से बाहर हो, एक दिन में कर्मातीत अवस्था जो है आ जाएगी। तो इन इन कॉमन टर्म्स, एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से बात करें, इसको भोजन मिलता रहता है, इस विस्तार को, है ना, बुद्धि के विस्तार को, मन के विस्तार को, शब्दों के, देखने के, सुनने के, ना, अलग अलग जितनी इंटेंसिटी है तो उसको भोजन मिलता रहता है सारा दिन। अच्छा, अगर हम 2-3 दिन थोड़ा सा अटेंशन रखते हैं, कम भोजन देते हैं इसको, है ना, कम भोजन दें, अगर हम ये रावण के इन पैटर्न्स को, ना, किसी, देखना है अपने में कि हमको कहाँ इंटरेस्ट है ना, कहाँ इंटरेस्ट है और कहाँ हद का डिसइंटरेस्ट है ना, कहाँ पर उसका इंटरेस्ट है हद में, हद में क्या क्या इंटरेस्ट है और हद में क्या क्या डिसलाइकिंग है ना, तो वो दोनों ही चीजें आत्मा को खींचेगा, अल्टीमेटली आकर्षित करेगा, जो हद का जो इंटरेस्ट है और हद का कोई डिसइंटरेस्ट है, जैसे कि कोई ना कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसा संस्कार है जो पसंद नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा, टाइम पर वो कमजोरी बन के आएगा, आकर्षित करेगा। तो अभी जैसे अपना अपना देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना, जो कि ये इंटरेस्ट वाली हैं और हद में डिसइंटरेस्ट वाली हैं। तो अगर इनको थोड़ा 3-4 दिन अगर हमने भोजन जो है नहीं दिया, बहुत इंटरेस्ट है जानने का क्या हुआ आज सेंटर पे, ना, क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, ये डेली डेली ये बात करने में, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, 3 दिन नहीं जाना, किसी से नहीं जाना, 4-5 दिन नहीं जाना कि क्या है, तो क्या होगा फिर, 3-4 दिन इसको बिल्कुल भोजन नहीं दिया, किसी भी पैटर्न को, जिस पे भी ध्यान काम करके, तो क्या होता है फिर 4-5 दिन के बाद, मरने लगता है, स्टार्विंग इट टू डेथ, डाई आउट, ज्यादा क्रेविंग, दो बिल्कुल अलग बातें, ज्यादा क्रेविंग और डाई आउट क्या होता है, कम हो जाता है या बंद हो जाता है, डिसइंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि ईगो जो है, ईगो बैठ अंदर में, ईगो, रावण बैठा है, रावण ने बुद्धि पे कब्जा किया है एंड ही इज देयर, तो उसके 3-4 पैटर्न्स हमें स्ट्रॉन्ग पता है, लाइकिंग के, डिसलाइकिंग के। अभी उन 3-4 चीजों को अगर हम भोजन ना दें 4 दिन, तो क्या है कि जैसे उसकी हमने आंख बंद कर दी और नाक बंद कर दी, लेकिन वो तो फिर भी है ना, वो है उसकी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ ना कुछ, या हल्की हल्की कुछ ना कुछ पहचाने हैं, बहुत कुछ है। तो 3-4 दिन जब नहीं देते हैं, तो अगर नाक बंद करी है ना, बहुत तेज उसका सफोकेशन स्टार्ट होगा 4 दिन बाद, बहुत तेज से रिएक्शन, कुछ एक दो चीज से नहीं दिया, तो जैसे कहते हैं ना कि वो मरने से पहले, दिया बुझने से पहले एक बार वो भड़कता है ना, तो कोई भी होता है वो खत्म होने से पहले एक बार, मरने से पहले अपना एक लास्ट अटेम्प्ट करता है एकदम खड़े होने का, बिल्कुल जिंदा होने का। तो ऐसे ही है कि थोड़ा हमने उसको तड़पाया, रावण को अंदर से तड़पाया, तो क्या होता है कि वो बहुत तेजी से 4-5 दिन बाद खड़ा होता है, वेरी स्ट्रांगली, और वो किसी भी बात पे थॉट्स चल गए, किसी भी बात पे सोचना शुरू कर दिया है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो लेकिन अगर उस समय भी हाँ, बीमारी उछाल खाती है, बीमारी यहाँ पे उछाल खाती है, तो क्या है कि उस समय अगर हमने ये जान लिया कि ऐसा होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी टाइम, कोई कोई मधुबन गए, बहुत अच्छा हुआ, हाँ सब अच्छा,
एकदम से आके ना रावण को भोजन ही नहीं मिला, फोन का भोजन नहीं मिला, खाने का नहीं मिला, सोने का नहीं मिला, फिर 4-5 दिन के बाद मेजर आउटबर्स्ट। सो ये पैटर्न पता होना चाहिए कि ऐसे ये मरता नहीं है, हम इसको छोटा करते हैं। तो लेकिन वो छोटा होता है और फिर उसके बाद वो छोटा भी बहुत तेजी से बर्स्ट होता है ना। आउटबर्स्ट मतलब कि वो फटता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन को अगर हमने जान लिया कि ये रिएक्शन क्या है, ये एक्चुअली में काम फिर भी हो रहा है, अगर हमने अपनी एक्यूरेट प्रैक्टिस, सही तरीके से जो प्रैक्टिस है अपना, जो ड्रिल्स हम करते हैं उसको अगर हमने कंटिन्यू रखा है, तो ये जरूर होगा। और ये जब होता है तो भी इसका लक्ष्य क्या होता है, आत्मा माया का काम क्या है यहाँ पे, डाउट क्रिएट करना। अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट होगा कि मैं तो इतना करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है, ये सब शुरू होगा। सो इफ यू नो पहले से कि ऐसा होता है, ये बीमारी उछाल खाती है, तो क्या है कि ये उस समय हम अटेंशन देंगे, उस समय हमारा ध्यान होगा कि देखो ड्रामा को कैसे कैसे बड़ा बना रहा है ये, है ना। फिर किसी भी बात को रावण जो है बड़ा बनाने लगेगा, बहुत ही उसमें उधेड़ बुन करेगा, अटेंशन पूरा एकदम से, है ना। 3 दिन हमने बहुत अच्छा अनुभव किया, मुरली स्टडी करी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, साक्षी हैं, देख रहे हैं ड्रामा को, एकदम 4थे दिन किसी भी बात से पूरा ड्रामा में, पूरा उसमें डूबना शुरू, है ना, कोई भी बात पे हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमको समझ लेना है कि ऐसा होता है ना, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उस समय और ज्यादा हमारा अटेंशन क्या है, माया पूरा कोशिश, वो आपकी वीकनेस से आएगी। सो इसीलिए पता होते हुए भी डूबना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अटैक जो होगा ना वो वीकनेस से होगा, वो उससे नहीं होगा जहां आप ऑलरेडी ड्रामा है, कार्टून शो है करके छोड़ देते हैं ना, वहां से अटैक होगा जहां पे ड्रामा जो है रियल लगता है। बॉक्सिंग चल रही है तो वो पंच आता है ना, और वो जो पंच आएगा वो बहुत अच्छा पंच आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसा ही ढीला सा पंच होगा, अच्छा खासा बलवान ना, बलवान अटेम्प्ट होगा। तो उस समय भी अटेंशन किधर रखना है ना, उस समय हमारा चालू रहना चाहिए, प्रैक्टिस जो है, इंटरेस्ट आए नहीं आए ना, फिर भी थोड़ा करना है, फिर भी उसमें कॉन्ग्रेचुलेट करना है, इतना ही किया, 2 मिनट के लिए किया, 1 मिनट के लिए किया, कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड ना, बाबा की मुबारक लेना है, इस तरीके से वो कंटिन्यू। और मन करे नहीं करे लेकिन कोई बात नहीं ना, ड्रामा ही चल रहा है, ये सब ड्रामा का ही हिस्सा है। कितनी भी इंटेंस बात आएगी, बहुत अच्छा पंच आएगा, लेकिन उसमें यही है, पंच को सरवाइव करने का जो तरीका है, ड्रामा है, कार्टून शो है, कोई बात नहीं ना। ऐसे ऐसे करके अगर थोड़ा सा भी उसमें हमने क्या किया, उसको समा लिया ना, उसको सहन किया, समाया, सहन, सारी शक्तियां काम करती हैं। जब आप ज्ञान का यथार्थ पॉइंट लगा रहे हैं तो उसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने, सारी शक्ति काम करती है, तभी बाबा कहते हैं ना आत्मा जगी हुई है। तो अगली बार के लिए क्या हुआ है, अगली बार भी ऐसा होगा, लेकिन अभी इस बार जो हमने ये धैर्यता रखी है ना, इससे जो है रावण छोटा जरूर होता है ना, छोटा हो गया है वो। सो डोंट फील कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है क्या मैंने, मैं तो घूम फिर के उधर ही आ गए, ये छोटा हुआ है। अभी ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे, फिर एक दिन ये बहुत बड़ा धमाका करेगा, करता है वो, रावण तो करेगा ही करेगा, उसको कहीं और से भोजन चाहिए, कुछ भी उसको चाहिए होगा, तो फिर एक धमाका करेगा। लेकिन उस समय भी फिर भी ना अपने से हिम्मत नहीं हारी, डाउट नहीं क्रिएट किया अपने पर, बहुत मैं किसी लायक, ये सब नहीं किया है ना, ये सब ये है माया का काम, कि देखा इतने समय से कर रहे हो फिर भी क्या हुआ, तो फिर भी कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू रखा, तो फिर क्या, फिर छोटा रावण, फिर हर बार वो छोटा होगा, हर बार छोटा होगा ना। हाँ, कई बार ये विचार जो है एक साथ चलते हैं चारों तरफ से ना, ये बस पता होना चाहिए कि कैसे बॉक्सिंग का मैच होता है। हाँ, फिर समझ नहीं आता है क्या छोड़ें और क्या यूज करें, तो ये ऐसा ही होता है बॉक्सिंग का मैच, कि एक प्लेयर हावी हो रहा है, इतना हावी हो रहा है, उसको मारता जाता है, मारता जाता है, फिर जो दूसरा ओपोनेंट है वो कहीं से वो ऐसा ट्विस्ट क्रिएट करेगा, पैर पकड़ के पंच कर देगा, कुछ भी करेगा वो ना, लेकिन फिर वहां से, क्योंकि बराबरी का गेम है ये गेम, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक भी ढीला है, बराबरी का गेम है, तो एक ये पंच मार रहा है, लेकिन ये जो है एक बार करेगा फाइट,
लेकिन उस फाइट में अगर हमने अपना ज्ञान का शस्त्र नहीं छोड़ा, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आत्मा को, आत्मा की ब्यूटी का जो अप्रिसिएशन है ना, जो आत्मा है उसको बाबा कितना प्यार करते हैं, इस इसमें रखा ना, इस विजन में अपने को रखा, तो फिर क्या है, वो छोटा हो जाता है, फिर उसका अगला पंच जो है वो कमजोर होगा ना, वो इतना पावरफुल नहीं होगा। सो यहाँ पे बाबा यही कहते हैं कि विस्तार जो है, विस्तार है वो आदत होती है, बुद्धि की आदत है विस्तार में जाना ना, ड्रामा के विस्तार में जाना। तो उसमें क्या होता है कि जो भी देखा या सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का या परिवर्तन का अभ्यास कम है। तो जो भी हम सुनते हैं, यहाँ पे क्या आया, हाँ, जो भी देखा या सुना, तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, तो उसके सार को जानकर, सार एक ही है ना, वन एसेंस ही है कि सब ड्रामा का पार्ट है। तो हम जानते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन जब वो पंच आता है तो सार को जानकर एक सेकंड में जो समा देने का काम है, वो ही परिवर्तन है। उसको हमने समाया और हम उससे बाहर, वो ही परिवर्तन है। तो बाबा कहते हैं ये परिवर्तन का जो अभ्यास है ये कम है ना, ये परिवर्तन करने का जो अभ्यास है ये कम है। बाबा जो सदा वाली बात बोलते हैं वो तो ब्रेक हो जाती है। मन से हारना नहीं है, स्वमान की सीट पर सेट। हाँ, उस समय भी स्वमान की सीट पर सेट, जब अपने ही उल्टे संस्कार दिखाई दें, जब यहां से ही पुराना पुराना कूड़ा निकल के आए, तब भी स्वमान की सीट पर सेट। इसी का मतलब है कि हम ये सब को ओन कर रहे हैं ना, हम इससे घबरा नहीं रहे हैं। यहाँ से ही पुराने संस्कार निकल के आए, लेकिन फिर भी आत्मा को अनुभव हो कि बाबा मुझसे प्यार करते हैं, ये है स्वमान की सीट पर सच में सेट होना। जब विपरीत संस्कार भी आए, तो यहाँ पे बाबा कहते हैं हाँ, जो सदा वाली बात है वो तो ब्रेक हो जाती है। सदा वाली बात जो है, सदा वाली बात ब्रेक तब होती है जब यहाँ से प्रैक्टिस से इंटरेस्ट हटता है। सदा की जो बात है वो है कि सदा इंटरेस्ट ट्रुथ में, अगर ट्रुथ में इंटरेस्ट हट के वो माया के सब सब जो थॉट्स आ रहे हैं उससे अग्रीमेंट होने लगता है, तो हाँ, सदा वाली बात कट हो जाती है ना। लेकिन उल्टे संस्कार आ रहे हैं, विकारी संकल्प आ रहे हैं, लेकिन ना, लेकिन उन सब में होते हुए इंटरेस्ट है उतना ही ट्रुथ में, होपलेस नहीं हो रहे हैं ना, अपने से ये नहीं हो रहे हैं क्या, ना उम्मीदवार नहीं हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि सदा है, सदा है। हाँ, बोथ पाथवे स्ट्रॉन्ग सिंस हाफ साइकिल, ट्रुथ एंड फॉल्स, अंदर में दोनों जो पाथवेज हैं वो स्ट्रॉन्ग है ना, और अभी इस समय हमको ट्रुथ वाला स्ट्रॉन्ग करना है। ट्रैप हो जाते हैं, रोना आ जाता है। इसी इसी ट्रैप को तो हम जान रहे हैं ना? ट्रैप तो तब कहा जाएगा जब हम मन से उस ट्रैप में आ रहे हैं। यहाँ ना सिर्फ मन के ट्रैप की बात है, बाहर से सिचुएशन कैसी चल रही है, वो कैसे चल रहा है, उसकी बात नहीं, मन का ट्रैप है, जो जो माया जो थॉट्स क्रिएट करती है, उस ट्रैप में आना ना आना, ये हमेशा हमारे पास चॉइस है। तो फिर उस ट्रैप में नहीं आएंगे तो रोना भी नहीं आएगा, वो धीरे 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 होगा। हाँ, बी काइंड टू योर माइंड, खुद को खुद की स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा ने मुझे क्या टाइटल दिया है। हाँ, ज्ञान को यूज करके आत्मा जो है कॉन्शियस। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी है, और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो तबीयत खराब जब उसकी होती है तो उसको ज्ञान है कि मुझे कौन सी दवाई लेके ठीक करना है। तो ऐसे ही ज्ञान को हमेशा साथ में रखना है, ये होना चाहिए कि अभी कौन सी दवाई को लेकर के इसको ठीक करना है, कौन सी दवाई को लेके खुद के अंदर शक्ति भरनी है ना। बहुत हम शरीर से टायर्ड हैं, बीमार हैं, लेकिन फिर भी पता रहता है कि अभी ये खा के करेंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा,
ये खाकर करेंगे तो नींद, दवाई लेंगे तो बुखार उतर जाएगा, है ना? तो नॉलेज जो है उससे फिर क्या होता है, सस्टेन होती है. तो बी काइंड टू योर माइंड, राइट? हाँ हाँ कई बार बुद्धि भी एक्सेप्ट नहीं करती ज्ञान को. हाँ तो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी ज्ञान को, क्योंकि उसको तो बुद्धि का ही तो इंटरेस्ट हो गया है ड्रामा को. तो हमें ये थोड़ी वेट करना है कि कोई एक्सेप्ट करे. मन और बुद्धि, ज्ञान, ये वेट नहीं करना है, क्योंकि वो मन और बुद्धि तो उसके उसमें चला गया ना, रावण की पार्टी में चला गया. तो लेकिन हमें फर्म रहना है कि ये फैक्ट है ना, ये ही फैक्ट है कि अल्टीमेटली आंखों सहित जो दिख रहा है, आंखों से जो दिख रहा है वो आंखों सहित खत्म हो जाना है, फैक्ट जो है. हमें वेट थोड़ी करना है, मन तो कहेगा हाँ हाँ देख लिया, ये तो बड़े बड़े बहुत सुन रहे हैं ये ना. बुद्धि कहेगी हाँ तो क्या होता है, इसीलिए जो दिख रहा है अभी तो देख लें ना, क्योंकि आंखों सहित ये तो खत्म ही हो जाएगा. तो वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, मन और बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन हमें वेट नहीं करना है एक्सेप्ट कराने की ना, हम ये थोड़ी करना चाह रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट, करते रहो उधर जाते रहो, ये सत्य है, ये सत्य है. तो फिर क्या होगा, कन्विंस किसी को नहीं करना है. देखिए जितना हम मन और बुद्धि को ही कन्विंस नहीं करते हैं, वो अपने आप आके सपोर्ट करेंगे. जहां आप किसी को कन्विंस करने लगो ना, जहां आप किसी को ये दिखाओ कि मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम मानो और फिर आ जाओ, वहां से वो सब छूट जाता है. तो इसीलिए सही एक्शन करने का भी बहुत प्रेशर रहता है कि गलती ना हो जाए. गलती ना हो जाए ना, ये भी रावण का एक एक पहचान से निकल के आता है, गलती ना हो जाए. क्यों गलती ना हो जाए? गलती ना हो जाए मतलब गलती से, गलतियां होना नहीं होना वो अपनी चीज है, ड्रामा की पार्ट है ना. लेकिन गलती से डरना, ये फियर जो है, ये तो रावण का है ना, ये रावण की जागीर है. क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा राइट होना है, मैं किसी की ये नहीं दिखा सकता कि मुझसे भी गलती होती है. क्यों नहीं भाई, गलती तो होती है ना, गलती किसी से भी हो सकती है. लेकिन उसका प्रेशर होना, उसका डर होना, ये क्रिएट करता है रावण. कोई ना कोई उसको चाहना होगी कि मुझे कोई ऐसा देखे, मुझे कोई ऐसा माने, मुझे कोई ऐसा समझे ना, मैं परफेक्शन हूं, मुझसे कोई गलती नहीं. तो ये चीज है. हाँ सत्य सत्य है, चाहे माने या ना माने. तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि जो भी देखा या सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देना, ये परिवर्तन करने का अभ्यास कम है. क्यों क्या के विस्तार में न चाहते भी चले जाते हो, है ना? क्यों क्या के विस्तार में न चाहते हुए भी चले जाते हो. बुद्धि की आदत है, बुद्धि की आदत है कि वो क्यों क्या में चली जाएगी. कैसे हुआ आखिर, जान के रहेंगे कैसे हुआ. बुद्धि का फोर्स इतना तेज होता है कि कैसे हुआ ये, कैसे हो सकता है, वो पकड़ के एकदम. तो ये होता है कि ड्रामा में डूबना शुरू, उसकी आदत है बिल्कुल. तो लेकिन आदतों को बस जान देते हैं ना, किसकी क्या फितरत है, किसका क्या नेचर है, तो वहां से यू आर, आप आधा जो है आधा खेल जीत जाते हैं, है ना? आधा खेल जीतने का बस यही है कि इसका ये नेचर है. रावण का क्या नेचर है ना, एकदम इंडल्ज होना ड्रामा में, इतना बेचैन होना जब तक उसे आंसर नहीं मिले, इस तरीके का रावण का नेचर है. तो व्हेन यू नो इट देन यू आर अबव इट, उसके उसके फिर हम उपराम चले जाते हैं. क्योंकि मेन स्ट्रेटेजी अगर हम समझ जाए तो फिर उसका शक्ति जो है कम हो जाती है. इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है. वृक्ष अर्थात विस्तार. कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है ना. किसी भी चीज का विस्तार है तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है. किसी भी चीज का अगर हम उसको बड़ा कर दें तो उसकी शक्ति कैसे डिवाइड हो जाती है ना. तो बाबा कहते हैं कि जैसे सैक्रिन है ना, कोल तार की चीनी, और वैसे मिठास में फर्क होता है ना. तो वो अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी और सैक्रिन कम अंदाज में मिठास ज्यादा देगी. तो इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और
दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। ये सबका अनुभव होगा, सबका अनुभव होगा, जब जब ड्रामा को हमने मथा है, क्यों क्या किया है, पूरा एनर्जी लगा के कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या किया है, क्या रिजल्ट निकलता है ना, क्या रिजल्ट निकलता है, वो टाइम कितना जाता है उसमें पूरा, जैसे ना एक है कि दूध को मथना है ना, तो उसको मथने से तो कुछ क्रिएट होगा, घी निकलेगा या व्हाटएवर, लेकिन पानी को मथना तो पूरे टाइम मथते जा रहे हैं लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसे ही, हाँ लास्ट में यही बोलते हैं कि छोड़ो ड्रामा है, वही होता है ना जो हम दिखाते हैं कि सारी बात करने के बाद से छोड़ो ना हमें क्या, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, कई लोग होंगे पूरी बात करेंगे कि क्या हुआ उसके घर में, क्या हुआ उसके घर में, फिर बोलेंगे कि हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है, तो सारा डिस्कस करने के बाद हमें क्या फर्क पड़ता है, वो पहले आ जाना चाहिए है ना, तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है, व्यर्थ जाने के कारण वो शक्ति नहीं रहती, इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा ये अभ्यास करो कि कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो ना, तो ये बाबा कहते हैं कि कोई भी बात, कोई भी जो बात है आगे, कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो, अपने को देखना है ना? हम देखेंगे, इससे हमें पता चल जाएगी वीकनेस है कहाँ, ठीक है, वीकनेस है कहाँ, कि कुछ कुछ बातें आएंगी उसको आप हाँ सार में आप छोड़ देते हो है ना, हाँ कोई बात नहीं, उसको सार में समा लिया, कोई बात आएगी जिसमें होगा ही नहीं कि इसको कैसे संभाले ना, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो फिर संभालने में, तो बाबा कह रहे हैं चेक करो कि कोई भी बात आ जाए उसको आप सार में संभालोगे, ऐसा अभ्यास करते करते तो चेकिंग करते जाओ कि कोई भी बात आई है ना उसको संभाल लिया, वैसे भी क्या होगा ना, जब जितना हम छोटी छोटी बातों में ये डे टू डे बेसिस पे करेंगे, करने से क्या होता है कि वो जो बड़ी वो जो कमजोरी भी है वहां से भी जब बात आएगी उसमें भी, क्योंकि ये पाथ स्ट्रांग हो जाएगा ना, ये पैटर्न नया पैटर्न बन जाएगा कि छोड़ो 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 ना, तो क्या होगा कि वो बात में भी पहले जितना रिएक्ट करते थे, पहले जितना तेज से पकड़ती थी बुद्धि, अभी होगा कि छोड़ो छोड़ो ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजों में हम देख सकते हैं, चेकिंग करेंगे तो हमें दिखेगा कि कितना, मतलब सिर्फ हम राइट प्रैक्टिस ना, हम कहीं और से आए हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के हैं फिर जाना है, ऐसा थोड़ा थोड़ा ही करने से इसके इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कहीं और दिखते हैं ना, रिजल्ट्स दिखेंगे कि नेचुरली कोई बात आई छोड़ो ना छोड़ दिया, कहीं पे कुछ प्लान किया वो चेंज कर दिया किसी और ने, ठीक है छोड़ो, नेचुरल होने लगता है, छोड़ने की आदत होने लगती है, बुद्धि जो है सार में आने का उसको इंटरेस्ट हो जाता है, आत्मा को ये छोड़ो उससे क्या टाइम वेस्ट करना छोड़ो, तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं उससे ये हमें डायरेक्टली नहीं दिखेगा, प्रैक्टिस कोई करेगा कहेंगे कि अनुभव तो नहीं हो रहा है ना, क्या होना है क्या नहीं होना है, तो लेकिन वो करने से, बार बार करने से एक नया जो है पैटर्न बनने लगता है ना, बातों की वैल्यू कम हो जाती है मन में। हाँ कल का जो एपिसोड था किसी ने भेजा है कि छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना ना, तो वो नेचुरल एटीट्यूड हो जाता है, वो जो गीत है कुछ तो लोग कहेंगे, तो ये नेचुरल एटीट्यूड आत्मा का कि कुछ तो होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ कोई तो कोई कहता ही रहेगा ना, और अब हमारे पास कोई बाहर तो कोई कमी है, अंदर में ही कितना कुछ है, कुछ ना कुछ चलता, कभी कुछ ये थॉट वो थॉट, ये डाउट वो डर, ये सब चलता ही रहेगा, नहीं छोड़ो ना, उसकी क्या स्टडी करें, छोड़ो, वो सब रावण के मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशन है, कहीं डर कहीं चिंता कहीं ये कहीं वो, छोड़ो उसको, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ जाने के कारण फिर क्या है, वो शक्ति नहीं रहती है, इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा ये अभ्यास करो, कोई भी बात
के विस्तार को समाकर सार में स्थित सको। तो ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे ना, फिर ऐसा अनुभव करा सकेंगे। बहुत सारा ज्ञान नहीं देना पड़ेगा, क्या होगा, नेचुरली अनुभव हो जाएगा सामने वाले को कि ये राइट बात है। तो अनुभवी मूरत ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं ना। अनुभवी मूरत, अनुभव किस चीज का ना, अनुभव, अनुभवी मूरत माना कि अनुभव हर चीज के सार जो एसेंस है उसको स्पष्ट रीति से सामने रखना। तो वो कितने में हर सीन में बहुत सारे हर सीन में हाँ विस्तार का सार करना, सार करना ये सबसे बड़ा अनुभव है। और ये जितना जितना करेंगे तो हर सीन में तमाम तरीके के अनुभव समाये हुए हैं। रावण का अनुभव है ना, माया का अनुभव है, बाबा का अनुभव है, सब कुछ। तो ये सारा अनुभव ही मूर्त, हर बार विस्तार को सार में समाया, सारे अनुभव के मूर्त हैं ना। सारे अनुभव एक तरफ ना, और आत्मा जो है वो बाबा के साथ है, और वो सब देख सकते हैं कितने अलग अलग तरीके के वैरायटी अनुभव हैं यहाँ पर, ठंडी का, गर्मी का, क्या क्या। तो विस्तार को सार में समाना एक विधि है या लाइक टॉर्टोइस या। तो इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में या पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। तो जैसे ना जितनी पावरफुल चीज है, हाँ इट इज दैट इजी विथ प्रैक्टिस, सामने वाला इन्फ्लुएंस होगा। हाँ इट इज दैट इजी, यू नो, विथ प्रैक्टिस। क्या होता है कि हमने एक क्या नोटिस करें हम, कि जितना जितना हम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं ना, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, एक जो ईगो का रावण का एक बोले सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रॉन्ग होता है कि हर सिचुएशन और हर चीज में यू नो, दादी प्रकाशमणि जैसे कहते थे कि सबसे जो तमो प्रधान संस्कार है ना, सबसे तमो प्रधान संस्कार है, तो वो कौन सा संस्कार है? एनी गेस, एनी गेसेस? अज्यूम करना है ना, अज्यूम करना, और ये कल्पना करना, कल्पना, यू नो, ये इमेजिन थिंग्स। तो ये एक रावण का सबसे सबसे निचला, सबसे यू नो वर्स्ट एक तरीके से उसकी मैनिफेस्टेशन है। और उसमें भी जो हम अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो रावण जो करवाता है वो वर्स्ट कराता है ना, वर्स्ट अजम्पशन, वर्स्ट इमेजिनेशन कोई, हाँ मन की कहानी, वो भी सबसे खराब वाली, जो कि यू नो, जो कि कई बार हमें ही पता होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यू नो दैट्स द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जितना जितना सोल कॉन्शियस होती है, जितना जितना हम ड्रामा को छोड़ते जाते हैं, तो एक नेचुरल जो आत्मा का, जो जैसे एक बच्चा होता है उसको कभी ये नहीं पता होता कि डर डरना भी है। वो बच्चा जैसे आता है तो वो बिल्कुल, उसकी कोई कंडीशनिंग नहीं है, प्री कंडीशनिंग नहीं है, तो उसको हर चीज में एक एक जो होप होती है, अजम्पशन होता है ना। अजम्पशन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका हर चीज में पॉजिटिव ही अजम्पशन होता है ना। तो ये आत्मा की नेचुरल नेचर है कि जैसे कोई कोई होते हैं ना कि अभी काम किया भी नहीं है, जैसे उसको एक आइडिया आया कि बिजनेस खोलें, अभी खोला भी नहीं है, लेकिन होगा क्या, होगा तो कुछ नहीं है ना, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, इतने लोग हैं दुनिया में, उनका तो चल नहीं रहा, मेरा कैसे चलेगा। तो वो स्टार्टिंग से ही मतलब एवरी आइडिया वो खुद ही, वो व्यक्ति रिजेक्ट करता है, क्योंकि वो खुद ही उसको जो है हमेशा ही एक नेगेटिव अजम्पशन ही चलता है। जितना बड़ा रावण उतना बड़ा फियरफुल अजम्पशंस, डर के कल्पना जो है ऑल द टाइम। और इसीलिए जैसे आत्मा कॉन्शियस हो रही है तो उसको उसका नेचुरल वो ही रहेगा, एक रिएक्शन ही रहेगा कि यू नो कितना अच्छा, वाओ। इसमें भी उसको होप नहीं रहेगी कि यहाँ कुछ बुरा हो सकता है,
और उसकी वजह से फिर नेचुरली क्या होगा कि वैसी ही आपकी अजम्पशंस की वजह से फिर कहीं ना कहीं वो इंटरप्ले चलता है ड्रामा का और एनर्जी का, है ना, जिसको बोला वो सिंक्रो डेस्टिनी, तो वैसे फिर वो चलता है. एक बहुत पहले ना का ना वीडियो आता था जब हम लोग इसको हम दिखाते थे कभी कभी कोर्स में ग्रुप में भेजते थे, ये बहुत पहले का एक एड है, तो उसमें वो एक एक्ट्रेस है तो बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस बॉलीवुड की, तो वो क्या करता है, वो क्या करती है कि वो बहुत उस जो बहुत ही लोग बहुत देखें उसको ऐसे वाले कपड़े शॉर्ट पहना होता है सब कुछ, तो वो उसकी रात में गाड़ी खराब हो जाती है, तो रात में गाड़ी खराब हो जाती है तो वो बीच सड़क पे छोड़ के उसको ठीक करने लगती है गाड़ी. तो वो दिल्ली में है और वो 5-6 लड़के आते हैं गाड़ी में, बड़ी सी SUV में, ना हरियाणा के बॉयज, तो वो देखते हैं इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, है ना, तो उनको इतना तो दिखाते हैं कि उनके माइंड में एक एक 6 लड़के हैं, छों के माइंड में इतने आइडियाज आते हैं कि अब ये कर लें वो कर लें, तो वो जो है वो इतनी उसको दिखाया है कि उसको कोई अंदाजा ही नहीं है, तो वो बोलते हैं उसको कि हम छोड़ दें क्या, तो वो कहती है थैंक यू सो मच ना, उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि कुछ बुरा हो सकता है, तो वो इतने अच्छे से, और ये यू कांट फेक दिस, यू नो ये इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, ये नाटक नहीं होता है, ये बहुत प्योर, जैसे कि हम अंदर में मन चित्त में है ही नहीं कि कुछ बुरा हो सकता है, मन चित्त में सिर्फ ये है कि बहुत अच्छा होना है, मन चित्त बुद्धि, मतलब इट हैज टू बी सो सिंक्रोनाइज्ड. तो वो कहती है कि हाँ थैंक यू सो मच आप छोड़ दीजिए, फिर वो उन छे पीछे 4 बैठते हैं, उनके बीच में एडजस्ट होके बैठ जाती है, फिर उसको वो घर पे भी ड्रॉप करते हैं, मतलब दे शो कि उसकी पूरी एनर्जी में वो 6 लड़कों के सारी जितनी भी वृत्तियां थी खराब खराब वो ऐसे मर्ज हो जाती हैं, और वो उसके साथ इतना रिस्पेक्टफुली इतना प्यार से बात करते हैं, और धीरे पूरा वो दिखाते हैं कि कैसे आइडियाज आ रहे हैं, फिर सोचते हैं छुएं, फिर वो मतलब इतने आराम से वो इतनी खुश होती है, धीरे धीरे ना एवरीथिंग मर्जेस, उसको घर पे छोड़ते हैं, उसकी गाड़ी गाड़ी छोड़ते हैं. तो कहने का भाव है कि जब ये सिंक्रोनाइज्ड है ना रियली में, यहाँ कोई ट्रेस नहीं है ना रावण का, तो तब ये होता है कि आप दूसरे के अंदर से सबसे अच्छी वृत्ति को इमर्ज करते हो, अगर इफ यू हैव दैट, आपका ख्याल ख्वाब में भी नहीं है बुरे कोई कोई थॉट, बुरा कोई इंटेंशन, तब क्या होता है कि सामने वाले के अंदर से वो बिल्कुल उसके सबसे गुडनेस निकल के आती है. हम लोग हमेशा दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली में सो मेनी टाइम्स हमारी जो फ्लाइट होती है, तो कभी कभार कहीं जाना है, मधुबन भी जाना है, तो कभी रात के 2 बजे 1 बजे, तो सेम हमारे घर पे भी जो लौकिक सभी लोग जो हैं, सभी लौकिक में जितने भी हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे सिखाया ही नहीं है कि रात में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. हम सुनते थे फ्रेंड्स बोल रही हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स बोल रहे हैं, बट हमारे घर पे हमारे ही फादर, है ना, वो बुक करके ओला रात में 2 बजे बिठा के, ड्राइवर भी पूछ रहा है कि सर आप भी चलेंगे, तो उसको पूरा बता रहे हैं कि नहीं नहीं अकेले जाएगी, यू नो एंड समटाइम्स आई यूज टू फील कि कम से कम बोलो तो नहीं ना, आप खुद तो थोड़ा शांत रहो, डोंट गिव हिम क्लूज, तो वो पूरी रात वो गाड़ी पे गाना चला के आराम से, बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, और यू कैन नॉट क्रिएट दिस, है ना, वो एनर्जी अगर सब बाहर से नाटक कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, अंदर से वही सोचते रहते हैं कुछ होना जाए कुछ होना जाए, तो नहीं आप ये डेवलप कर सकते, है ना, तो यू कांट. जैसे मम्मियां बाहर से बोलेंगी कि नहीं बट बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बट अंदर से पूरा है कि पढ़ता ही नहीं है, इसका क्या होगा, इसका इस दूसरे बच्चों को देखो, ये यू कांट, ड्यूअल से नहीं हो सकता ये, ना, तो अंदर भी वही है बाहर भी वही है, तो अंदर भी उनको कभी भी डर डर जो है उन्होंने कभी डाला ही नहीं कि ऐसा कभी भी कुछ होगा, ना, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं देख रहे हैं कुछ नहीं कहते, ऐसा थोड़ी होता है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो वो अंदर भी ऐसे, सभी ऐसे, पेरेंट्स सब लोग ऐसे, तो कभी आया ही नहीं कि हम कभी ऐसा अजम्पशन कुछ होता हो ही नहीं सकता, सो दैट इज वॉट बाबा सेज कि देवी देवताओं को ना आप जंगल में भी छोड़ दो, उनको अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ से शेर आ जाएगा ये आ जाएगा, तो जितना बड़ा ईगो होता है उसका नेगेटिव अजम्पशंस होते हैं, और जितना छोटा ईगो होता है खत्म होता है, सोल जितनी कॉन्शियस, उसको हर चीज में वो देखता ही है कि अभी क्या अच्छा होगा अभी क्या अच्छा होगा, इट्स नॉट एन एक्सपेक्टेशन, लेकिन उसका नेचुरल वृत्ति ऐसी है कि सब अच्छा ही होगा, सो इसीलिए बाबा कहते हैं कि
जितनी पावरफुल चीज है ना, तो कोई भी चीज में आग है वो बहुत तेज है, बहुत पावरफुल होगी, तो बाबा कहते हैं उसमें कोई भी चीज को डालेंगे तो वो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगी। जितनी पावरफुल चीज है उसके आप संबंध में किसी को भी लेकर आओगे उतनी तेजी से वो दूसरे को चेंज कर देंगे। तो वो हमारी वृत्ति के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल है, आपकी गुडनेस की वृत्ति, सोल की जो गुडनेस, प्योर गुडनेस, जितना वो कॉन्शियस है दूसरे के आप नेचुरली ये करोगे, उनको भी ऐसा ही लगेगा कि सब दुनिया में अच्छा ही होता है ना, सब अच्छा ही है, लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, तो जितना पावरफुल चीज में जितनी ज्यादा पावर है वो दूसरे को उतना ज्यादा पावरफुली चेंज कर सकती है ना? तो इसीलिए यहाँ पे बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस रहने के लक्ष्य पर अटेंशन है। बाबा भी कहते हैं कि आपकी वृत्ति संपूर्ण पवित्र है तो किसी का भी मन और वृत्ति परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रल सीन में आत्मा पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है, पॉजिटिव। हाँ, इतनी सुंदर स्टेज है ना, और हम सबकी वो स्टेज है। इमेजिन सतयुग में छोटा सा बच्चा है, वो पुष्पक विमान चला रहा है और उसके ख्याल ख्वाब में भी नहीं है कि एक्सीडेंट हो सकता है, उसको पता ही नहीं है एक्सीडेंट हो सकता है ना। ही इज फुल ऑफ पॉजिटिव आइडिया एंड फुल ऑफ दैट। तो जितना सोल कॉन्शियस हो रही है, सेवा में भी जैसे हम करते हैं ना कि अभी ये प्रोग्राम करते हैं इसमें कितने लोग आएंगे, तो सब शुरू हो जाते हैं, पता नहीं पिछली बार तो आए नहीं थे, अरे कोई नहीं आएगा, कोई कोई तो ऐसे कर देगा, और कोई कोई होगा कि अरे सिर्फ कहने की बात नहीं है कि बहुत आएंगे, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वर्ड्स। यहाँ पे एक वृत्ति की बात है कि बाबा का कार्य हो तो सबको आना ही है, आज नहीं तो कल आएंगे। तो कैसे आइडियाज फुल ऑफ पॉजिटिव आइडियाज, उसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो जरूर रिफ्लेक्ट होगा जितना सोल कॉन्शियस हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेनी टाइम्स, सॉरी किसी का कमेंट है, मेनी टाइम्स व्हेन ट्रैवलिंग अलोन फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, हाँ, नो स्मॉल इंसिडेंट्स है ना, ये सब बातें हमने मोस्टली वी हैव हर्ड फ्रॉम अदर्स। हाँ, और कोई अगर कोई गलत इंटेंशन से बात कर रहा है लेकिन फिर भी हम प्योरिटी से बात करते हैं तो वो भी रिस्पेक्ट से बात करने लगते हैं, है ना। हाँ, और वो हमारी प्योरिटी ऐसी प्योरिटी नहीं कि पहले हम भांप लें कि ये गलत इंटेंशन से आया है फिर हम सोचें नहीं मैं तो प्योर हूँ फिर हम इसको चेंज, ऐसा नहीं। वो हमारा उठने जब से हम लगेंगे ना तो हमको ये भी नहीं समझ, ये भी अंदाजा नहीं होगा कि दूसरा नेगेटिव से आ रहा है, आप अपने में ही स्थित हो ना, कोई कैसा भी आ रहा है वो चेंज होके चला जाएगा, हमें समझने की भी जरूरत नहीं होती है, ऑब्जर्व करने की भी जरूरत नहीं होती है कि ये किस उससे आ रहा है। वो विजडम ऐसी रहेगी, परख भी रहेगी, उसके साथ कितनी बात करनी है, वो ऑटोमेटिकली ड्रामा विल गाइड एवरीथिंग एक्यूरेटली। ऐसा नहीं है कि हमारी इतना हमारे अंदर अच्छाई रहती है, इतना प्योर विजडम रहती है कि हम किसी के साथ भी बैठ के खूब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, एकदम ही ऐसे। ये मतलब कॉमन सेंस विल ऑलवेज वर्क, जितना सोल कॉन्शियस है हाँ तो कॉमन सेंस हमेशा काम करेगा और ड्रामा बहुत अच्छे से गाइड करेगा, कहीं गलती वहां नहीं हो सकती ना, वहां पे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि हाँ सेवा पर जाओ तो हाँ पहचीले वहां की धरनी, पहले वहां की धरनी तैयार करो, इसको इसको थोड़ा समझाओ। हाँ, ये अनदर टाइम ना, अभी इसके साथ रेलिवेंट नहीं है, इस टॉपिक के साथ, तो नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पे जो एक लास्ट लाइन लेते हैं बाबा की, तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज जितनी पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो फिर स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगी। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव या व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं या व्यक्त भाव में रहने वाले, है ना, इस दुनिया में अगर हम पावरफुल स्टेज में हैं मतलब अव्यक्त स्टेज में हैं, तो कोई भी बातें ना जो व्यक्त भाव की हैं, व्यक्त दुनिया की हैं, व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्तियों की हैं, आपके सामने आएंगी
तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति या रूपरेखा ही परिवर्तन हो जाएगी। उनकी स्थिति, उनकी रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी, है ना? तो ये कितना कमाल का मैजिक है ना? इसको बाबा ने कहा, आप हो बेहद के मैजिशियन। आप यहाँ पे इतने सारे पार्ट प्ले हुए हैं सोल के अंदर से, यू नो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान, है ना? लेकिन हम ये सब मर्ज करके आत्मा का ट्रुथ क्या है ना, सत्य क्या है, कि आत्मा सदैव, यू नो, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत लवली है। वो तो ड्रामा इन स्टेजेस से गुजरता है, तो आत्मा भी इन स्टेजेस में आती है। तो इस सार में जैसे हमने इसको पकड़ लिया, तो सामने वाला भी बाबा कह रहे हैं व्यक्त भाव से आए, रजो प्रधान किसी भाव से आए, तमो प्रधान जैसी भी एनर्जी से वो आए, उसके पास जो भी सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, वृत्तियां हैं, लेकिन आप जैसे ट्रुथ में हो कि अमर है ना, इमोर्टल है, इस सत्य में हो, तो आप भी उसका ये जो पार्ट का जो विस्तार है, इसको आप मर्ज करके आत्मा को ना इस सबसे ऊपर कर दिया, है ना? अलग अलग जो अनुभव हैं, इनसे अनटच्ड आप ना, आप क्या हो, आप इन सब अनुभवों से परे बहुत सूक्ष्म आत्मा हो। तो ऐसे ही उसको भी इन सब, उसके जो व्यक्त भाव है, उसके जो व्यक्त थॉट प्रोसेस है, उससे ऊपर कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ये बाबा कहते हैं कि ये है बेहद के जादूगर। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं ना, बीकेज में जाओ तो जादू लग जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि ना, जो बहने हैं वो कितना मतलब सिंपल सिंपल बहने हैं, बाहर इतना समय हो गया है उनको, 30 साल 40 साल की बाहर की दुनिया से जैसे कट ऑफ है। बाहर की दुनिया से मतलब लोगों के क्या थॉट्स होते हैं, या कैसे लोग सोचते हैं, क्या चालाकी होती है ना, काफी हद तक उनको अंदाजा नहीं है। वो बस बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा जो दुनिया दिखा रहे हैं, तो सोल जो कॉन्शियस होने लगती है, तो थोड़ा भी देर लोग बैठते हैं ना, तो देर नेचुरली कितने ओपन हो जाते हैं, कितना चाइल्ड लाइक हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये है, हाँ, बाबा का जादू, ज्ञान का जादू, है ना? कैसे ज्ञान का जादू है, और ज्ञान आज कितना बाबा ने एम्फसाइज किया सुबह, कि योग से परिवर्तन है ना, योग बल से परिवर्तन है, पढ़ाई से नहीं है, योग बल से है। तो प्रैक्टिस, अटेंशन डाला ना बाबा ने, कि प्रैक्टिस की कमी होती है, तो जो है प्रैक्टिस की कमी भी, और एक्चुअली कमी का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जब तूफान आता है, कहा ना प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, लेकिन फिर एक पंच आया माया से, फिर जो प्रैक्टिस कम हुई, वो कमी के वजह वो रिफ्लेक्ट होती है। जब आपका पेपर आया है, फिर जब आप आंसर नहीं लिख रहे हो, तो वो होता है सदा में रुकावट डालना, है ना? पंच आया, वो बहुत तेजी से तूफान आया, रावण अंदर पूरा खड़ा होने लगा अपनी शक्ति से, पैर सीधे कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, कि आज तो ऐसा ड्रामा में उलझाएंगे इस आत्मा को। तो क्या है कि उस समय जो हम प्रैक्टिस छोड़ते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रैक्टिस छोड़ते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उस समय भी बिलीव इट बातों में फंस जाते हैं, तो फिर वहां पे तो वो जो कमी है ना, वो ऐड होती है इस रावण को बड़ा करने में। तो इसलिए प्रैक्टिस को कम नहीं करना है, कंसिस्टेंट रख के। एंड हाँ, एक्चुअली यही होता है, प्रैक्टिस नॉर्मल टाइम में अच्छे से करनी है ना, और फिर जब वो टाइम आता है रावण वाला, तो फिर वहां पे भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। एंड रियली रावण ऐसे ही करता है, सब अपना उसका पूरा बिल्कुल अच्छा, तो इसको अच्छे से ठीक करें, है ना? बहुत हुआ ज्ञान, बहुत हुआ, अंदर ही थॉट आएंगे कि बहुत हो गया ज्ञान, है ना, बहुत पढ़ ली मुरली, बहुत कर लिया, होता कुछ नहीं है। तो यहाँ से संकल्पों से माया अपना संकल्पों पे जोर डालेगी, रावण अपना बुद्धि को पूरा अपनी तरफ करके, और पूरा खेल शुरू। उस समय यू हैव टू कीप अटेंशन, कि ये है इसकी स्ट्रेटेजी, है ना, ये हो रहा है खड़ा यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे अभी जिंदा हो रहा है। इसका वो क्या बोलते हैं, जो अडिक्ट एडिक्ट होते हैं ना, तो उनका क्या होता है, जो रिलैप्स समथिंग लाइक दैट, एक फेज आता है ना, कि वो एडिक्शन उसको दी नहीं बहुत दिनों तक, तो उसका वो जो आउटबर्स्ट होता है एक दिन, तो बताया जाता है जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, कि
ये जो पेशेंट है वो खुद अपनी मर्जी से आता है कि मुझे इससे छोड़ो, इससे मुझे छुड़ाओ इस एडिक्शन से। और जब उसको दिया नहीं जाता है थोड़े दिन, तो उसको खुद ही डॉक्टर्स पहले से ही बताते हैं कि देखो आपका रिलैप्स जरूर होगा ना, आत्मा अपनी इच्छा से आई है, सब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये पता हो कि ये बाउंड रिलैप्स जरूर होगा। रावण जो है ये पूरा उसका अटेम्प्ट रहता है। सो डोंट वरी, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। या ठीक है ओके तो ये आधी इसका पैसेज बचा है। बीमारी उछाल भी खाएगी, रावण अपना ये भी करेगा, बट हमें धैर्यता से, पेशेंट जो है उसको पता रहे ये सब होगा, ये सब होगा ना, ये सब कुछ कंटिन्यू होगा। यहाँ पे और कुछ, और फिर होकर खत्म होगा, राइट। वेरी नाइस एटीट्यूड, होकर खत्म होगा। यहाँ पे कोई कोई अपना कोई और कमेंट? आए ये सब आया है जाने के लिए। हाँ उस समय याद रखना है जब आएगा, उस समय अच्छे से याद रखना है। और ये भी पता हो जहां पे मोह है वहां पे, वहां से अटैकिंग होती है, वहीं से होगा। ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर, राइट, जहां पे हम ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, छूटा हुआ है, वहां से नहीं अटैक होता है। जहाँ है अटैचमेंट वहां से। हाँ लेकिन विस्तार को सार में समाना है, लेकिन हर नॉर्मल बात में प्रैक्टिस करनी है, छोड़ने की, छोड़ने की। सीमा बहन कुछ यहाँ पे शेयर करेंगे। हिसाब सेटल हो रहा है और बढ़ नहीं रहा है, राइट। हिसाब सेटल हो रहा है। सीमा बहन आपका हैंड रेज है जी ओम शांति जी। दीदी, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1 मंथ पहले ऐसे ही हुआ था कि हमें हर चीज की, यहाँ तक कि हमें मुरली भी नहीं सुननी, कुछ नहीं ज्ञान सुनना, सेंटर भी नहीं जाना, कोई क्लास नहीं सुननी, इतना ज्यादा हो गया था। और अभी सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया सब, तो वो ही सब अच्छा लग रहा है। कभी वो टाइम निकालना इतना मुश्किल हो रहा था कि नहीं ये कैसे ठीक होगा, ये हो ही नहीं सकता। और वो बुद्धि बुद्धि के ऊपर बार 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 वो आ रहा था कि नहीं ये ठीक है ही नहीं, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे आ रहा था बार 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 कि कहीं कुछ गलत वो नहीं है, बस ये नहीं ठीक हो सकता, ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो इतना हावी हो रहा था हमारे ऊपर कि लगिन रहा था कि हम इससे निकल पाएंगे, पर अब बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया है। थैंक हाँ, यू लेकिन दीदी। निकलते हैं, हर बार निकलते हैं, हाँ जी हाँ है ना। जी हाँ जहां जहां पे जी जिसको जिसको भी लगा है कि भाई अब तो ये इससे बुरा क्या ही होगा, उसके बाद उससे भी बुरा देखा है ना और ये भी आ रहा तो था दीदी कि जी यही माया है, मतलब अंदर से ये भी लग रहा था कि बाबा इस तरह से छुड़ाओगे आप मुझे, ज्ञान से इस तरह से हटा रहे हो, पर मैं कुछ कर ही नहीं सकती, हटा लो आप, मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसे आ रहा था बार बार कि ज्ञान से हाँ हटा रहे हैं, ये माया का रूप है। पर वो माया बिल्कुल सही लग रही थी उस वक्त, गलत नहीं लग रही थी, सही लग रही थी बिल्कुल वो माया। अब सब बिल्कुल। नॉर्मल हो गया है। थैंक माया अच्छे फ्रेंड बनी हुई है ना, तो पूरा वो जो लेकर आती है पूरा, जो संकल्पों का भोजन और सबका, वो पूरा लगता है इसको खाएं कैसे छोड़ दें, है ना। तो बस वही है कि लेकिन हमारा ध्यान होगा कि इसको छोटा करने में, रावण को बार बार अटेंशन, बार बार अटेंशन। तो वेरी नाइस। हाँ, जब आता है तो उसमें बहुत टाइम जाता है, लेकिन टाइम हमेशा हर बार कम होता जाएगा अगर हमने कंटिन्यू रखी है प्रैक्टिस। टाइम हर बार कम जाएगा ना, पहले अगर 2 दिन लगेंगे तो अभी 1 दिन लगेगा, कम होगा हर बार, ग्राफ हम देखेंगे बढ़ रहा है। अगर योग बल पर ध्यान है, अटेंशन है, पढ़ाई पर होगा ना। हाँ, सर्जरी होनी ही है, होनी थी, बहुत रेजिस्टेंस था, फिर जब होगी ही तो हाँ, सर से बोझ उतरा, फाइनली इट्स ओवर नाउ, है ना। बाबा एंड ड्रामा बोथ हेल्पिंग मी टू सेट इन माय ट्रुथ, ना राइट। तो ठीक है ना, कल मिलते हैं। थैंक यू।